हेलो गाइस, कैसे हैं? बच्चे होंगे तो हमारे पास वीवो का V23 Pro है, V23 5G है, V23 5G ये फोन है। जैसे आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीन लॉक को अनलॉक करने वाले गाइस, तो वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा। वीडियो को हम करने वाले हैं हार्ड रिसेट, जैसा कि आप जानते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीवो का अभी न्यू मॉडल है, वीवो का V23 5G के नाम से ये मॉडल है। तो चलिए ये देखिए, इसमें एक पैटर्न लॉक लगा हुआ है, तो इसको ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद हम इसको हार्ड रिसेट करने वाले गाइस। हार्ड रिसेट से क्या होगा, इसका जो लॉक है वो रिमूव हो जाएगा गाइस, मतलब स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा। तो चलिए, आपको क्या करना है, वैल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस करना है गाइस। तो वैल्यूम अप और पावर की को एक साथ यहाँ पे प्रेस करना है, जैसा कि मैं आपको देख रहे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस। तो वैल्यूम अप और पावर की को एक साथ आपको प्रेस करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये फोन रिकवरी मोड में आपको ले जाना है। फास्ट बूट मोड पे गया, अब आपको रिकवरी मोड पे सेलेक्ट करना था। जैसे आप रिकवरी मोड पे सेलेक्ट करेंगे, ये बूट होने के बाद रिकवरी मोड पे चला जाएगा फोन। और रिकवरी मोड पे जाने के बाद गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। यहाँ पे 5G करके अभी आ रहा है गाइस। तो बस अब यहाँ पे जाना है आपको, देखिए क्लियर डाटा का एक मैसेज दिखाई दे रहा है, तो क्लियर डाटा पे यहाँ पे कर देना है। तो क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है आपको। क्लियर ऑल डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके का आपको बोल रहा है, तो ओके आप कर देंगे, जिसमें आपका सारा ए टू जेड डाटा डिलीट हो जाएगा, पैटर्न भी रिमूव हो जाएगा। इस देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमारी चालू हो गई है। तो ये हार्ड रिसेट है, छोटा सा एक वीडियो हार्ड रिसेट के ऊपर भी, कि हम कैसे फोन को हार्ड रिसेट करते हैं। यहाँ पे आकर रिटर्न चले जाना है। रिटर्न जाने के बाद यहाँ पे भी आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद गाइज, अब सिंपल और सिंपल इसको रिबूट कर देना है। सिंपल और सिंपल हमें इसको रिबूट कर देना है। रिस्टार्ट पे दिखाई दे रहा है, तो सिंपल अब से रिस्टार्ट कर देना है। अब ये रिस्टार्ट आप कर दोगे, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस इसमें बूटिंग होने में, क्योंकि ये फोन फॉर्मेट हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा टाइम। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखें। यहाँ पे वो वही फोन है जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था। अब देखेंगे गाइस कि इसकी फॉर्मेटिंग होती है कि नहीं होती है, और ये हमारा फोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो गाइज, ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है, अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट। और ये बहुत 100% सक्सेसफुली से हमारे फॉर्म फॉर्मेट हो चुका है, स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया। तो अब इसको फटाफट हम इसको आगे बढ़ा देते हैं गाइज। तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम आपको लास्ट दिन तक दिखाएंगे कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे भी कर देना है आपको एक्सेप्ट, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है गाइस, एक्सेप्ट कर देना है सारे टर्म एंड कंडीशंस को। ये पहले जैसे जैसे न्यू फोन होता है उस तरीके का फोन हमारा हो जाएगा। और अगर इसमें गूगल अकाउंट FRP भी लगी होगी, तो आई थिंक आगे हम चल करके इसके FRP भी रिमूव आपको दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल ये हमारा फॉर्मेटिंग का वीडियो था, स्क्रीन लॉक पर एक वीडियो था। जस्ट अ सेकेंड, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और फटाक से हमारा ये अनलॉक हो जाएगा, मतलब अनलॉक तो हो चुका है। यहाँ पे स्किप कर देना है आपको। स्किप करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा प्रॉपरली जो हमारा स्क्रीन लॉक था, इसमें भी गूगल अकाउंट नहीं लगा हुआ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गूगल अकाउंट, ये कंग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ चुका है, कंग्रेचुलेशन। ये हमारा फोन बहुत 100% बहुत इजी तरीके से अनलॉक हो चुका है गाइस। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं किसी ने